ड्यूटी से 1 साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बलवान पूनिया को 7 दिन में इसका जवाब देना होगा। राज्य पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। सीपीएम नेता अमरा राम ने इसकी पुष्टि भी की है। बलवान पूनिया पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बलवान पूनिया को 7 दिन में जवाब देना होगा। आपको बता दें कि राज्य पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। सीपीएम नेता अमरा राम ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि बलवान पूनिया पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बलवान पूनिया को 7 दिन में जवाब देना होगा। राज्य पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर किया निर्णय। सीपीएम नेता अमरा राम ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि बलवान पूनिया पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड। आपको बता दें कि बलवान पूनिया पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बलवान पूनिया को 7 दिन में जवाब देना होगा। राज्य पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। राज्य पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर निर्णय किया गया। सीपीएम नेता अमरा राम ने इसकी पुष्टि की। बलवान पूनिया पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बलवान पूनिया को 7 दिन में जवाब देना होगा। पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। कर दिए गए हैं। बलवान पूनिया को 7 दिन में इसका जवाब देना होगा। बलवान पूनिया पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बलवान पूनिया को 7 दिन में इसका जवाब देना होगा। राज्य पुलिस ब्यूरो की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्णय किया गया है। सीपीएम नेता अमरा राम ने इसकी पुष्टि की। We'll be right back.
और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीएम नेता अमरा राम जी। अमरा राम जी, जनटीवी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आप आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि पार्टी हमेशा जो रीति नीति के अनुसार चलती है, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, और पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता समान, पार्टी हमेशा हर कार्यकर्ता को एक समान नजर से देखती है, वैसी क्या वजह रही कि बलवान पूनिया को 1 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा? पार्टी सचिवमंडल की कल बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर के पार्टी ने निर्णय किया था कि वोट नहीं कास्ट करना, और बलवान पूनिया ने पार्टी के निर्णय का वेलना करते हुए कांग्रेस को वोट दिया। इसलिए पार्टी ने बलवान पूनिया को 1 साल के लिए निलंबित किया है। और का कारण क्या रहा उसके लिए जो काम नोटिस है, निश्चित रूप से क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भी पार्टी अनुशासन तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसी के तहत ये कार्रवाई की जाती है। की गई है कि 1 साल के लिए पार्टी के तम सदस्यता से उसको निलंबित किया गया है। जी अमरा राम जी, बलवान पुनिया जी ने आपसे संपर्क किया है कि उन्होंने आपको इसको लेकर कितने दिनों में आपको जवाब देना है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लिया है पार्टी ने, तो उनका भी आपने उनको 7 दिन का एक तरीके से समय भी दिया है। वोट कास्ट करके खुद ने हाँ की है कि मैंने वोट डाला है, तो वो तो क्या कारण रहा कि 7 दिन में उसको लिखी मैं नोटिस भेजा, उसको नोटिस को जवाब देना। बाकी जो निर्णय उसने पार्टी के ने अवहेलना की है, अनुशासनहीनता की है, उसके लिए 1 साल के लिए उसको पार्टी के सदस्य से निलंबित किया गया। जी राज्यसभा में जो उन्होंने वोट कास्ट किया है उसकी क्या वजह बताई है? अमरा राम जी, पार्टी के को अवहेलना करते हुए वोट दिया है, इसके लिए उनको 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। जी आखिर में जवाब नहीं देंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, निलंबित है, उसके बाद में भी पार्टी के अनुशासन की अवहेलना करता जाएगा, तो उसके बाद में पार्टी बैठ करके विचार करेगी। धन्यवाद अमरा राम जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ सीपीएम नेता अमरा राम जी हमसे जुड़े और उन्होंने जानकारी दी कि